हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर प्लास्टिक एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इस ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री या तो डिप्लोमा से लिए हों या बीटेक से लिए हो, अगर पास आउट हो चुके हैं और कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो भारत सरकार के ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जिसमें आपको यहाँ से इस पार्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। और अगर डिप्लोमा में अभी है तो JOT सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जो कि 8 नंबर का होता है, यहाँ से आपको ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं सेफ फैक्टर होता क्या है और किस किस सेफ का हम लोग इसका फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी आपके सामने आते रहेंगे। देखिए, सेफ फैक्टर होता क्या है। सेफ फैक्टर का मतलब हुआ कि किसी प्लास्टिक सेक्शन जो आपका सेक्शन है, 5 तरह के सेक्शन, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में, पहला होता है एंगल सेक्शन। ठीक है, एंगल सेक्शन और आपका टी सेक्शन, चैनल सेक्शन, फ्लैट सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, ये 5 तरह के सेक्शन आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं। इन सभी सेक्शन पर यील्ड मोमेंट के रिस्पेक्ट में कितना प्लास्टिक मोमेंट उस पर अप्लाई होता है, उसका कैलकुलेशन ही सेफ फैक्टर कहलाता है। मतलब ये कि जिस शेप का सेफ फैक्टर जितना ही कम होगा वो ज़्यादा सूटेबल होगा यूज करने के लिए। ठीक है, सेफ फैक्टर अगर जिस सेक्शन का जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा वो सूटेबल होगा यूज करने के लिए। सेफ फैक्टर की वैल्यू अगर 1.2 है तो यहाँ पर 20% जो है ना स्ट्रेंथ रिजर्व रहता है। ठीक है, तो सेफ फैक्टर जितना ही कम होगा उतना ही सूटेबल होगा यूज करने के लिए। यह डायरेक्ट लाइन जो है आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है, तो इस चीज़ को आप नोटिस करके रखें। सेफ फैक्टर को अगर डिफाइन करें तो होगा क्या, तो सेफ फैक्टर हमने कहा कि यील्ड मोमेंट के रिस्पेक्ट में प्लास्टिक मोमेंट कितना उस पर अप्लाई होता है, कितना जनरेट होता है, उसी को कहा जाता है सेफ फैक्टर। मतलब कह सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मोमेंट टू यील्ड मोमेंट। या फिर सेफ फैक्टर का एक और डिफिनेशन है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ZP/Z, यानी प्लास्टिक मॉडुलस टू सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, सेफ फैक्टर को हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मॉडुलस टू सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कि सेफ फैक्टर का डिफिनेशन आपको समझ में आया होगा। या आपसे डिफिनेशन भी पूछ लिया जाता है कि सेफ फैक्टर को डिफाइन करें, तो 2 नंबर में अपने डिफिनेशन पूछेगा, तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेफ फैक्टर डिफरेंट शेप का होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। आज के क्लास में 2 सेक्शन का हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला सॉलिड सर्कुलर सेक्शन और दूसरा थीन हॉलो सर्कुलर सेक्शन, 2 सेक्शन के लिए डिस्कस करेंगे। देखिए, सेफ फैक्टर होता क्या है, तो सेफ फैक्टर में हमने जैसे बताया इट इज़ द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मॉडुलस टू सेक्शन मॉडुलस, यानी ZP/Z। और ZP का जो फॉर्मूला है, अगर आप सोम में पढ़े हो आपको याद होगा, तो ZP कैलकुलेट करते थे सेक्शन मॉडुलस टोटल एरिया बाई 2 Y1 बार + Y2 बार, ये होता था फॉर्मूला आपको ZP कैलकुलेट करने का, प्लास्टिक मॉडुलस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता था। ठीक है, और Z होता था Z = I/Y होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा, फ्लेक्चरल फार्मूला से यहाँ का इसका डेरिवेशन आता है। तो इन चीज़ों को यहाँ फार्मूला में जब पुट करते हैं तो कुछ इस तरह का फार्मूला हमारे पास में बन के आता है सामने। और इसमें सबकी वैल्यू, जैसे एरिया है, एरिया का मतलब क्या हुआ, तो इस सर्कल का एरिया कितना होगा, तो सर्कल का एरिया सब लोग जानते हैं कितना होता है, πr² होता है। ठीक है, πr² एरिया रख दिए। इसका सेंट्रॉयड कितना होगा, अब देखिए सेंट्रॉयड है का मतलब क्या हुआ कि इस सर्कल को हम 2 भागों में बांटें। क्यों बांटे हैं, क्योंकि प्लास्टिक एनालिसिस करने के लिए इसका एजम्पशन कहता है कि इसको एक्स एक्सिस के सेमेट्री में होना चाहिए। तो जब इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 बराबर भागों में बांटे, तो एक सेमी सर्कल नीचे बना, एक सेमी सर्कल ऊपर बना, और सेमी सर्कल का सेंट्रॉयड जो होता है CG पॉइंट, वो होता है 2D/3π। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि ये 2D/3π कैसे होता है, क्योंकि सेंट्रॉयड वाले चैप्टर में आप इसे भलीभांति पढ़ चुके हैं। रेक्टेंगल का D/2 पे होता है, लेकिन वो CG, अगर यही पूरे सर्कल का CG पूछें तो होगा D/2 पे, लेकिन सिर्फ आधा सर्कल का अगर पूछे, सिर्फ ये सेमी सर्कल वाला का पूछे, तो ये होगा 2D/3π का। तो ये दोनों ऊपर नीचे सेम है, सिमेट्री है, इसलिए Y1 बार और Y2 बार, ये दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पर 2D/3π होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है π/D4/64।
ठीक है, पाई डी के पावर 4/64। और इस पूरे सर्कल का सेंट्रोइड कहाँ होगा, तो जितना इसका डायमीटर है उसका डिवाइड बाई 2, यानी कि d बाई 2 डिस्टेंस पर इसका सेंट्रोइड पोजिशन होगा, सी जी होगा। तो ये हो गया था आपका d बाई 2। इन सभी वैल्यू को इसके फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, और पुट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही इसका क्या कहलाएगा, शेप फैक्टर। जैसे एरिया बाई 2 है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं डी बाई 2 के फॉर्म में, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 एरिया हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब वाई वन बार वाई टू बार की वैल्यू देखिए, 2d/3π यहाँ रख दिए, प्लस 2d/3π वाई वन बार वाई टू बार की वैल्यू लिख दिए, और डिवाइड बाई आई बट्टा वाई है, आई के जगह पर लिखते हैं पाई डी के पावर 4/64 एंड डिवाइड बाई है। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये चेंज हो जाता है 2/d हो जाएगा, 2 से ये गया 32 टाइम्स में, डी से ये डी चला जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद जब इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास में वैल्यू निकल के आती है, सॉल्व करने के बाद इसको जो वैल्यू मिलती है वो होता है 32 डिवाइड बाई 6 पाई। ठीक है, आप स्वयं भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। थोड़ा सा ये हमारे पास में स्क्रीन छोटा है, तो इसलिए एक साथ सारा वैल्यू को नहीं लिख पा रहा है, तो ये इसके वैल्यू आ जाती है। जब इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है 1.7, यानी कि कह सकते हैं कि शेप फैक्टर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का कितना होगा, तो 1.7 होगा, ये हमने यहाँ पर डिराइव करके चेक किया है। अब बात करते हैं कि यही सेमी सर्कुलर सॉरी थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन का शेप फैक्टर अगर निकालना हो तब क्या करेंगे। देखिए, शेप कैसा भी हो आपको फॉर्मूला जो है शेप फैक्टर का वो चेंज नहीं होगा, यही होगा। चेंज अगर इसमें होगा क्या, तो उस जैसा सेक्शन रहेगा उसका एरिया चेंज हो जाएगा, उससे के रिगार्डिंग उसका सी जी चेंज हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सी जी उसका टोटल सेक्शन का चेंज होता रहेगा। फॉर्मूला ये चेंज नहीं होगा, इसी फॉर्मूला में सारा वैल्यू को पुट करते जाना है। जैसे थिन सर्कुलर सेक्शन है, हॉलो है मतलब क्या है, ये बीच से खाली है, जैसे एक सर्कुलर है और ये बीच में इसका थिकनेस, इसके थिकनेस को मानते हैं कि स्मॉल टी थिकनेस है। इसको अगर हम इस सर्कल को ओपन करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और इसका आपको एरिया अगर पूछा जाए, एरिया बताइए कितना होगा, तो एरिया लिख सकते हैं इसका, इस सर्कल का परिधि जो होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, यही इसका क्या होता है, लेंथ होता है। और इसके टोटल लेंथ में हम अगर थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एरिया। तो अगर इसका एरिया पूछा जाए, एरिया होगा कितना, तो इसका परिधि कितना होता है, पाई डी, 2πr ही इसका परिधि होता है। ठीक है, परिधि होता है, और परिधि में अगर थिकनेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है इसका एरिया। यानी कि अगर एरिया की बात किया जाए, थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन का एरिया की बात किया जाए, तो वो एरिया होगा पाई इंटू डी इंटू में टी होगा। ठीक है, सिमिलरली इसको जब हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में दो बराबर भागों में बांटते हैं, तब यहाँ से भी एक सेमी सर्कल बनता है, एक नीचे सेमी सर्कल बनता है। इसका जो सी जी है, वो सी जी जो बनता है, ये डी बट्टा पाई का सी जी बनता है प्रत्येक सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल वन है, ये भी थिन हॉलो सर्कुलर सेमी सर्कल होगा, ये भी थिन हॉलो सर्कुलर सेमी सर्कल सेक्शन बनेगा। इन दोनों का जो सी जी होगा वो होगा क्या, डी बट्टा में पाई। ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, सी जी वाला 2d/3π भी याद रखना पड़ेगा, डी बट्टा पाई भी याद रखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ से सर्कल था तो इसके लिए 2d/3π था, लेकिन यहाँ पर थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन है तो डी बट्टा में पाई होगा। अगर आपको याद नहीं रख पा रहे तो आपको फिर ये डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी वैल्यू आपको आगे y1 y2 की और टोटल एरिया का। बात करते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो इस केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, देखिए जो फेमस शेप है ना, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कुलर हो गया, सेमी सर्कुलर हो गया, इस सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप याद रख ले तो वही बेटर होगा, क्योंकि हर बार आपसे क्वेश्चन इसका पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो सेमी इस पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो पाई डी क्यू बाई 8 के फॉर्म में होता है। और इस पूरे सर्कल का सी जी कहाँ पर होगा, तो पूरे सर्कल का सी जी हमेशा इसका सेंटर पर ही होगा, तो उसके लिए आ गया क्या, डी बाई 2। तो उम्मीद है आपको ये सभी वैल्यू क्लियर हुए होंगे कि ये वैल्यू कैसे यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। बात करते हैं इसका शेप फैक्टर का, शेप फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगेन वही प्रोसीजर है, सारा वैल्यू को पुट कीजिए, एरिया बाई 2, देखिए पाई इंटू डी इंटू टी डिवाइड बाई 2, एरिया बाई 2 यहाँ रख दिए, उसके बाद वाई वन डी बाई पाई और वाई टू अगेन डी बाई पाई, उसके बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पाई डी क्यू टी डिवाइड बाई 8 और इंटू में डिवाइड बाई वाई होगा, तो मल्टीप्लाई हो जाए तो ये बदल जाता है, 2 बट्टा में डी हो जाएगा, ये कैंसिल होकर के 4 हो जाता है,
और यहाँ से डी कैंसिल होके डी क्यू हो गए, तो डी स्क्वायर बन जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या वैल्यू, इसको जब हमने क्रॉस सारा कुछ को कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू मिलता है 4/पाई, वो हमें वैल्यू मिलता है यहाँ पर 4/पाई। देखिए ये आ गया 4/पाई। आप सारा वैल्यू को फॉर्मूला में रख के कैलकुलेट कीजिए, आपको यह वैल्यू मिलेगा। 4/पाई को जब पुनः कैलकुलेट किए तो ये वैल्यू आ गया 1.27, ठीक है। 1.27 मतलब थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन का जो शेप फैक्टर होगा 1.27 होगा। अब यह 1.27 है तो मतलब क्या हुआ इसका, तो 27%, इसका मतलब क्या हुआ, 27% स्ट्रेंथ यहाँ पर रिजर्व रहेगा, ठीक है। और जिस सेक्शन में जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ रिजर्व रहेगा, यूज करने में उतनी ही कठिनाई आएगी। तो हम कह सकते हैं कि सेफ फैक्टर जिस सेक्शन का जितना कम होगा, सुटेबिलिटी टू यूज उतना ही बेटर होगा उसका, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपको ये बन सकता है, तो इसलिए इस चीज़ को आप नोट करके लिख लें। तो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया दो सेक्शन का शेप फैक्टर, एक सॉलिड सर्कुलर सेक्शन और दूसरा थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन। उम्मीद है आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हुए होंगे। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले एग्जाम में डिप्लोमा जेओटी की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को परफेक्टली मिलेगा, जो कि 8 नंबर का होगा, ठीक है। प्लास्टिक एनालिसिस सेक्शन से, इस सेक्शन से जरूर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगले क्लास में हम बात करेंगे आई सेक्शन और टी सेक्शन का शेप फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर अगर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।